ट्रैफिक के नए रूल लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस वैसे तो चालान काटने के लिए जगह जगह पर तैनात है, पर जयपुर के प्रताप नगर एरिया में पिंजरा पॉल गौशाला बत्ती पर बिना ट्रैफिक को मानते हुए गाड़ियां किसी भी दिशा में चलाई जा रही हैं। बत्ती का पालन कोई नहीं कर रहा, ना ही यहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है। ऐसे में घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन जाम लगा रहता है। अब सवाल यह है कि पूरे देश में इतने कड़े ट्रैफिक रूल होने के बाद भी आगे प्रशासन क्यों मौन बैठा है। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद द्वारा छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में मामले में अब संत भी समर्थन में आने लगे हैं। दिल्ली से आए स्वामी ओम अब चिन्मयानंद के समर्थन में उतर आए हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद पर आरोपों को साजिश करार दिया। स्वामी ओम का कहना है कि स्वामी चिन्मयानंद का अश्लील वीडियो फर्जी फोटोशॉप द्वारा बनाया गया है। इस कांड में CIA ने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। करोड़ों डॉलर खर्च कर स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की SIT जांच कर रही है कि स्वामी चिन्मयानंद जी तो कहीं नहीं गए। स्वामी जो आप जिस मालिश की बात जो वायरल हो रहा है, उस मालिश में स्वामी चिन्मयानंद जी को मालिश कराते हुए दिखाया गया है, साथ में सामने लड़की को दिखाया गया है, जबकि आप लड़की का चेहरा नहीं दिखा सकते। आज तक वगैरह कई चैनल ने उस लड़की को कार में बैठे हुए 5 युवकों के साथ में दिखाया गया है। तो जो लड़की पहले से ही सती सावित्री नहीं है, उस लड़की के बयान पर हम क्या भरोसा कर सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी एक बहुत पुराने हिंदूवादी हमारे राष्ट्र नेता हैं, और आप ये देखिए एक कारण और भी है जिससे CIA और ISI घबराई हुई है। अभी मैं रामलला के राम मंदिर निर्माण में मैं पेटिशनर हूँ, और वहाँ पर भी मैंने सारी सबूत जो जो इन्होंने मांगे थे कोर्ट के अंदर भी दिए, CJI के घर में भी जाकर के हमने दिए हैं, पांच के सामने मार्ग पर जाकर के, कल भी हम पांच के सामने मार्ग पर गए हुए थे दिल्ली में उनके घर पर जबकि छुट्टी थी। तो और सारी बातें हमने डिटेल में उनको बताई है सुप्रीम कोर्ट को। अब जो ये जो हाई कोर्ट में जो इन्होंने दिया है, मैं मेरे मित्र परम मित्र योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये अपील करता हूँ कि इस केस को इस ये FIR दर्ज न होने दें, और किसी वजह से ज़बरदस्ती यदि ये CIA के एजेंट ISI के एजेंट लोग FIR दर्ज भी कर लेते हैं तो अंडर सेक्शन 321 CRPC के अधीन इस केस को विड्रॉ किया जाए। क्योंकि आप ये देखिए अभी मैंने घोषणा ऑलरेडी कर रखी है कि 6 दिसंबर 2019 से मैं राम मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूँ, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद जी जैसे जितने भी रामवादी संत लोग हैं वो हमारे साथ होंगे, और यदि इस तरह से बदनाम करके उनको यदि जेल भेजा जाएगा तो हमारा राम मंदिर का निर्माण में भी हमको बाधा आएगी। मैं सभी हिंदुओं से, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि संघ है शक्ति कलयुगे, कलयुग में सिर्फ संघ में एकता में ताकत होती है, लेकिन हम हिंदुओं में एकता नहीं है, जिसके वजह से जिसके जी में आता है, जिसके मन में आता है, किसी भी बड़े से बड़े संत के ऊपर में झूठा आरोप लगा देता है और हम लोग खामोशी से उसको बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का जो हमारा एक लक्ष्य है उसको पूरा करने में हमको देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र की चितोली रोड पर पुलिस ने अवैध रूप से चल रही पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्यवाही की। भारी मात्रा में बने अधबने पटाखे व पटाखों में प्रयोग होने वाला बारूद बरामद किया गया है। फैक्ट्री मालिक वसीम को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जनपद हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। करहल समाज सेवा में अपनी अहम रुचि रखने वाले उत्तम पांडे की 18वीं पुण्यतिथि बड़े ही भव्यता के साथ आयोजित की गई। इस दौरान सपा भाजपा के नेताओं ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे MLC अरविंद प्रताप यादव ने कहा कि हमारा और उत्तम का रिश्ता एक चाचा भतीजे जैसा था, लेकिन उत्तम पांडे की बात की जाए तो एक अलग पहचान दी जाती थी। उनके सिद्धांतों को हम सबको अपनाना चाहिए ताकि समाज में उनकी एक पहचान बनी रहे। जो आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है, 18 वर्ष व्यक्ति के जाने के बाद
18 साल का जो अपार दुख परिवार के ऊपर रहा, श्री रमाकांत भाई साहब ने कहा था जो चीजें होना चाहिए थी, सबसे कष्ट माँ को, पिता को और पत्नी को रहता। जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, सोचना ही बाकी रह जाता है, आत्मा को शरीर से त्यागना पड़ता है। लेकिन सृष्टि बनी है, हमें और आपको दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर देता है। हालांकि सही बात है, हमारा और उत्तम पांडे का रिश्ता चचा भतीजे का था। जब भी बात होती थी तब गाली दे के बात होती, लेकिन कष्ट इस बात का रहा, चीजें समय पे जाती है वो ठीक होती है। अल्प समय में जाना हुआ और परिवार पर जो दुख पड़ा, और परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता मिले, मेरी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि यहाँ भी आत्मा हो सुख और शांति से रहे। प्रमोद कुमार उपाध्याय जिलाधिकारी मैनपुरी ने जवाहर नवोदय विद्यालय भोंगाव का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने विद्यालय की चारदीवारी की बाउंड्री, कटीले तार व रात में सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाने के कड़े निर्देश दिए। यूपी के जहांगीराबाद में सावन कृपाल आश्रम पर चल रहा साप्ताहिक आध्यात्मिक सत्संग महोत्सव के 8वें दिन भी सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सत्संग का शीर्षक 17वें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर पुण्य कमाया तथा दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी की महाराज जन्म रिपीट जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर पुण्य कमाया तथा दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शिविर चल रहा है, कितने लोगों ने रक्तदान किया है? कब तक चलेगा? जब तक आते रहेंगे हमारे पास। क्या नाम है आपका? से ऊपर रक्तदान किया है। कैमरामैन अजय गौतम के साथ चिंतन अंसारी, जहांगीराबाद जलंधर। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये आश्रम पर 8 सितंबर 2019 से 8-15 सितंबर 2019 तक आध्यात्मिक साप्ताहिक सत्संग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस सत्संग उत्सव के उपलक्ष्य में जो हमारे मिशन के परम पूजनीय परम संत सावन सिंह जी महाराज, परम संत प्रकाश सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, मौलिका सरकार युगपुरु संत श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज जी की अपार दया मेहर से इस आश्रम पर आज 17वां रक्तदान शिविर भी आया जा रहा है। और आज हमारे मिशन के सदगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज जी, जिनका कि आज जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है, हम सभी संगत के बीच में आज बड़ी खुशी का माहौल है कि हम सब मिलकर के यहाँ कृपाल आश्रम जहांगीराबाद पर संत दर्शन सिंह महाराज जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गोयल है। आप क्या हैं यहाँ के? मैं यहाँ पर एक सेवक हूँ कृपाल आश्रम जहांगीराबाद पर।